तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट कंप्रेहेंशन की। तो लिस्ट कंप्रेहेंशन की आज बात करेंगे, तो ये हमारा एडिटर जो आपको दिख रहा है, ये हमारा पाईचार्ट है। आज हम इसकी जगह पर रिप्लेट पे काम करेंगे। तो ये हमारा रिप्लेट हो गया, ऑनलाइन एडिटर जो क्लाउड से चलता है, तो इस पे हम काम करेंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा अच्छा दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है। उस पे बहुत सारी चीज़ें हैं चारों तरफ बिना यूज वाले, अभी तो इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हाँ आज हम रिप्लेट पे थोड़ा देखते हैं अच्छा साफ सुथरा हमारा प्लेटफॉर्म। तो क्या होता है लिस्ट कंप्रेहेंशन? तो लिस्ट कंप्रेहेंशन का मतलब है, देखिए इसमें लिस्ट सब जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये लिस्ट से संबंधित है। और क्या करता है, ये नई लिस्ट बनाता है, पुरानी लिस्ट के आधार पर नई लिस्ट बनाता है। बस इसका जो नई लिस्ट बनाने का जो तरीका होता है वो नया तरीका होता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, ये हमारी पुरानी लिस्ट है, इस लिस्ट से हम नई लिस्ट एक बना रहे हैं जिसका नाम रखा गया ये ARB। और ये कोड बना के हम इस कोड का इस्तेमाल करके ये नई लिस्ट हम ये तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन देखिए, तो हमारा नया लिस्ट हो जाता है, अगर इसको रन कराते हैं तो हमारी ये नई लिस्ट आ जाती है। बस इसी चीज़ को, सेम काम को हम नए तरीके से करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो नया तरीका क्या है? नया तरीका होता है इस कोड को एक लाइन में लिखने का, मतलब ये कोड इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक लाइन में हम लिख देते हैं, कितना यहाँ से लिख के इतना कोड। तो अभी तो आपको ये छोटा दिख रहा है, मान लीजिए अगर कोई दूसरा प्रोग्राम हुआ, उसमें कोई बड़ा कोड हुआ, ये एक कंडीशन बड़ी हो जाती है या फिर ये वाला बड़ा हो जाता है, तो ये तो इस तरीके से इसी काम को हम छोटे में एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं, वही आपको दिखाना है। तो आपको दिखाते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखते हैं। ये जो है ना, ये भी वही काम कर रहा है, इसने जो काम किया ना वो ये काम कर, ये जो लिस्ट है ना, ये सेंटेंस है, यही जो है आपका। अभी दिखाते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये जो कोड है, ये लिखा हुआ है इतना, इसी कोड को इसकी जगह पे रिप्लेस किया गया, बस यही चीज होती है, यही इसी कोड को इसकी जगह पर इस कोड को बनाया गया। और जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही ये काम करेगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर फॉर एक्स, ठीक, ये फॉर एक्स इन वाई, इसको यहाँ पे लिखा गया, इतना लिखा गया। उसके बाद ये कंडीशन दी गई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे लिखा गया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक। तो जैसे ये काम करता है ना, कंट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद एक एलिमेंट को एक्सेस करता है, फिर अंदर जाता है, एक एलिमेंट यानी वाई के एलिमेंट को एक्सेस करता है फॉर एक्स इन वाई से, ठीक। तो x मतलब एक एलिमेंट एक्सेस किया इसने y लिस्ट से, और उसके बाद अंदर आता है, उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होती है, कंट्रोल अंदर आता है, कंडीशन चेक करता है कि क्या ये जो x एलिमेंट जिसको लिया गया है, ये x, ये 10 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो if के ब्लॉक में घुस जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो ARB नाम की जो इम्प्टी लिस्ट है उसमें एक वैल्यू जो है उस x की वैल्यू को अपेंड कर देता है, अगर इस ये कंडीशन ट्रू है तब। यही काम बिल्कुल यहाँ पे होता है, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पर आया, ठीक, उसके बाद इसने इस लाइन को पढ़ा, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक, तो एक एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा और एक लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा, फिर से फॉर लूप चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी कि दूसरा एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कंडीशन के हिसाब से अगर ट्रू है तब तो वो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे नई लिस्ट में, ARB नाम की नई लिस्ट में बनते चले जाएंगे, इसका आउटपुट आपको यहाँ पे देखना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि पुरानी लिस्ट से नई लिस्ट बनाने का काम नए तरीके से जब हम करते हैं तो उसे लिस्ट कंप्रेहेंशन कहते हैं। और इस कोड को एक ही लाइन में लिखा गया है, यही लिस्ट कंप्रेहेंशन, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से आता है, यही लिस्ट कंप्रेहेंशन, मतलब पूरे कोड को एक लाइन में लिख दिया। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप इसमें ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन डालते हैं, मान लीजिए x, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, और इसको हम इसको मान लीजिए हम क्या काम करते हैं, हाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको हम यहाँ से इसको क्या करते हैं x into x हम अपेंड भी कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑपरेशन किया गया, और फिर उसके बाद एक नई लिस्ट बन भी जाती है। इसको चला के देखते हैं, पहले इसको हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कमेंट में कर देते हैं और इसको चला के देखते हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इन सभी का क्या मिलेगा,
उसका उसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन, सेम का सेम नंबर थे, वन का वन से फाइव का फाइव से ऐसे मल्टीप्लीकेशन, क्या आउटपुट मिलेगा आपको ये दिखेगा यहाँ। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या है, एक हिसाब से स्क्वायरिंग की गई, स्क्वायर बना दिया गया। स्क्वायर का मतलब होता है उस जो नंबर होता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे काम किया जा सकता है, इसका मतलब हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यही चीज़ तो है, इसीलिए यहाँ पे जो रखा जाता है ना, अब इसको हम कमेंट में करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जब हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ये हमने ऑपरेशन किया है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है ना, वो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। अभी एक्स एक्सप्रेशन है, एक्स क्या, एक एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ से जो हमें आउटपुट मिला, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। लेकिन हम इस आउटपुट, जो आउटपुट है, इसमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है, उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी स्क्वायरिंग की गई, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स कर दीजिए, तभी आपका आउटपुट इतना ही आएगा। इसको रन कराइए, उतना ही आया आउटपुट। अच्छा, यहाँ कंडीशन अलग है, ये एक्स इज ग्रेटर देन 10 है ना, ये कहाँ पर है, यहाँ पे जो लिस्ट है ना, ये अलग लिस्ट है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। तो लिस्ट जो है दोनों को सेम कर देते हैं वाई के, वहाँ पे लिस्ट आपको वाई की अलग दिख रही होगी, ऊपर वाली ये अलग है, ये बड़ी है ये छोटी है, इसको सेम लिस्ट कर देते हैं। तभी तो मैं सोचा आउटपुट कैसे अलग आते हैं, तो अब देखते हैं। अब आप देखेंगे तो सेम आउटपुट आपका दिखेगा, उतना ही जितना इसमें आ रहा था लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखना होता है, यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला लिख दीजिए जिसका जो वेरिएबल है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्स क्यूब, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, वहाँ यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस टू प्लस थ्री ऐसे करके सब लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस हम कर देते हैं एक्स क्यूब कर देते हैं। एक्स क्यूब कैसे लिखा जाएगा, इसको डबल करके और ये थ्री लिख देते हैं, चलाते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो इसने क्या काम किया, पहले एक्स स्क्वायर किया, फिर एक्स क्यूब किया। तो जैसे कि मान लीजिए 10 से जो बड़ा है, 10 से सबसे बड़ा कौन सा है, अगर इसकी कंडीशन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम इसको चेक कर सकें आखिर ये सही आ रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम कर देते हैं ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, ताकि ये पहला ही नंबर का हम ये कैलकुलेट कर सकें। तो देखते हैं पहला नंबर क्या आता है, पहला नंबर है 150। ठीक, अब देखिए 5 जो है, क्योंकि 5 से शुरुआत होगी, x इज ग्रेटर देन 1 है, 1 तो लिया नहीं जाएगा, 5 लिया जाएगा। तो 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 125 यानी 125 प्लस 25 कितना होगा, 150 होगा, इसलिए कितना यहाँ पर 150 है। यानी कि यहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन रख सकते हैं, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है x के रूप में, उसमें हम कुछ भी यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर उसके नए रूप को यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है आराम से। मतलब आपको एक वेरिएबल, एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है, एक्स के रूप में, उसमें आप कोई भी परिवर्तन करके यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं।